कंटिन्यूसली इसको हम दो बार पहले भी रिकमेंड कर चुके हैं। पहली बार 523 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस दिया था, 526 का क्लोजिंग बेसिस का उसके बाद दिया था, और आज हम तीसरी बार दोबारा रिकमेंड कर रहे हैं। और इसमें एक खास पैटर्न है, जिस तरीके के डायमंड पैटर्न होते हैं, खास पैटर्न है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों एवरेजेस मर्ज हो रही हैं। और जब भी ऐसी इस तरीके से एवरेजेस मर्ज होती हैं तो एक बड़ा मूव देखने को मिलता है। तो ये अज्यूम कर रहे हैं चूंकि मूव ऊपर की तरफ आ रहा है, ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आ रहा है, तो मूव भी बड़ा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। भारती एयरटेल डो नॉट मिस ट्रेड है, इस पर खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, भारतीय एयरटेल यानी कि बहुत समय से चला नहीं है, और जो जितने लंबे समय तक तपस्या करता है उतना ही बड़ा फल उसको मिलता है। तो भारतीय एयरटेल में एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, बाय करके चलना है। अब रिवाइज स्टॉप लॉस 532 रुपए पर, 532 पर रखें। टारगेट है 565 रुपए का पहला, 575 रुपए का दूसरा, 575 के टारगेट के लिए भारतीय में खरीदारी की राय है। 575 तक के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल को करें खरीदारी, ये राय कुणाल जी की, राकेश जी की तरफ से। राकेश